वेलकम अगेन इन सिविल साइट नॉलेज। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि बीम में मैक्सिमम और मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, स्टील कितना होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, यही मैं बताने जा रहा हूं। और प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि इसका विड्थ और डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा, तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, वहां से आप देख सकते हैं। आज मैं यही बताने वाला हूं कि इसमें स्टील कितना प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456-2000, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। एक सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलेगा आपको, और ये इंटरव्यू के पर्पज से और एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगर बीम का डिजाइनिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जरूर ये सीख लेंगे दो वीडियो से। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कि मिनिमम स्टील में रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं। तो अब मैं ये भी बता दूं कि ये बीम है, ये क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए इसको कटिंग करेंगे यहाँ से कट करके, जैसे यहाँ से क्रॉस सेक्शन करके आप अगर इधर से देखेंगे इसका सेक्शन कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो कंप्रेशन जोन ये टॉप में, ये टेंशन जोन ये बॉटम में। तो दो कोड के अनुसार कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में कितना स्टील हो रहा है मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ। आप ये देखिए कि सबसे पहले नंबर टेंशन जोन, टेंशन जोन जो होता है उसमें मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड करते हैं, ये देखिए टेंशन जोन है। तो टेंशन जोन अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456 में दे दिया है कि ये जो कंप्रेशन जो टेंशन जोन, सॉरी टेंशन जोन में मिनिमम स्टील ऑफ स्टील जो होगा ये होगा एएस अपन में बीडी इक्वल टू 0.85 अपन में एफवाई, इसे हम निकाल सकते हैं। देखिए एएस क्या है, मिनिमम एरिया ऑफ ए टेंशन रेनफोर्समेंट, और बी आपका है ब्रेथ ऑफ द बीम बी है, और डी इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ मैं बताऊंगा क्या होता है, आप अगर नहीं जानते हैं तो एफवाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इन द न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये भी मैं बताऊंगा। जैसे एफ 415 और 415 या 500 लेते हैं वही आपका एफवाई है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं इसको मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेशन का क्या, आप यहां से देख सकते हैं। तो यही मैं लिख रहा हूं एएस इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाय आपका एफवाई दिया है। अब देखिए ये क्या है, आप इधर लेके चले जाइए तो अब इनटू हो जाएगा बीडी। अब इससे इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन, टेंशन जोन, और जो मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट क्या होगा वो आपको कोड ही बता रहा है कि मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 0.04 बीडी यानी मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कर, 0.04 बी और डी। डी क्या है आपका, ओवरऑल डेप्थ, यानी ओवरऑल डेप्थ, यानी कि जो अपन बीम जो अभी मैं दिखाया था पिछले वीडियो में, बताया था कि बी का इसका जो एज्यूम किया था, जैसे कैलकुलेशन करके बताया कि इसका विड्थ 200, इसका डेप्थ जो होगा आपका 250, तो यही टोटल डेप्थ है। ओके फ्रेंड्स, यहां पे आपको क्लियर। अब कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन में भी कोड हमारा बोल रहा है, यहां पे आप देखिए 0.04 मैक्सिमम बीडी से दे सकते हैं। तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्रेशन जोन में भी, तो आपका 0.04 बी और डी। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे ये बी डी है ना, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको मैं बोल रहा हूँ। ओके, आप एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसके अनुसार यानी कि इसमें आप परसेंटेज बोल सकते हैं, तो 4% मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं टेंशन जोन में मिनिमम। इस फॉर्मूला से निकाल कर मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डिसलाइक कर रहे हैं तो क्यों, रीजन भी बताइएगा, मैं अपने आपको सुधारूंगा कहां मैं आपको गलत बताया हूं। ओके, लाइक जरूर कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, मेरा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं। तो ये इसमें मैक्सिमम एनफोर्समेंट कितना होगा, ये भी 4%, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में कितना प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम। तो मिनिमम आप इस फॉर्मूला से निकाल के बता सकते हैं और मैक्सिमम आप यहां से। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर आपको। चलिए टोटल बीम में कितना आएगा, तो कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में ऐड कर दिए, टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन, 4% प्लस में 4% इक्वल टू 8% मैक्सिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि एग्जांपल देख लीजिए आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, यही कैलकुलेशन मैं बता दे रहा हूं। आप यहां से देखिए कि कितना होगा आपका, कितना होगा मैक्सिमम और मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा, अब ये देखिए आपका ये फिगर है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर यहां से। तो अब ये जो जो आपका फॉर्मूला था, सॉरी फ्रेंड्स, तो आपका फॉर्मूला था एएसवी इक्वल टू मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना आएगा आपका 0.85 इंटू बीडी डिवाइडेड बाई आपका एफवाई, यही आपका आया था, इसी से निकालेंगे। तो निकालेंगे तो यहां से आपका कितना होगा, आपका डी, देखिए इफेक्टिव डेप्थ मैं बता दूं, इफेक्टिव डेप्थ होता है कि इस सेंटर से, मान लीजिए एज्यूम कर रहे हैं इस सेंटर से लेकर के इस जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इसके सेंटर से लेकर टॉप तक जो होगा इफेक्टिव डेप्थ होगा। तो हमने आपको ये एज्यूम किया है कितना है आपको,
16 mm का स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना? 16 mm का स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, या 12 mm। मैं भी बताया था कि जो बॉटम में जो टेंशन जो में इससे हम कम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 12 mm मान लीजिए प्रोवाइड कितना करें, 12 mm का। तो ये डी क्या हो जाएगा आपका, डी स्मॉल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए 250 माइनस क्लियर कवर, ये क्लियर कवर यहाँ एज्यूम करें 25 mm, क्लियर कवर 25 mm माइनस 25 mm माइनस इसका डाया का हाफ यानी डी बाई में 2 कर दीजिए, डाया का हाफ हो गया, सॉरी ये डाया ऑफ बार है, डाया ऑफ बार, तो आपका कर दिए तो 219 आएगा mm। तो अब यहां से मिनिमम रेनफोर्समेंट निकाल लीजिए, क्या हो गया आपका, मिनिमम रेनफोर्समेंट यहां से निकाल लीजिए, तो आपका 0.85 इंटू 200 इंटू 219 डिवाइडेड बाई आपका FY हम यूज करें 415, तो यहां से निकाल लीजिए आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट आ जाएगा 89.7 mm². ये आपका मिनिमम स्टील कितना प्रोवाइड कर सकते, एरिया ऑफ स्टील इतना प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? नो डाउट्स, यहां तक आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। तो अब देखिए मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। तो टेंशन जोन में कितना बोला है, मैं आपका कोड बताया आपको, आपको 4%, कितना 4%, तो आप निकाल दीजिए 0.04 इंटू बी डी, तो बी कितना है 200, सॉरी 200 इंटू डी कितना है क्रॉस सेक्शनल, यानी कि आपको यहां क्या था बी और डी, तो यानी ओवरऑल डेप्थ है ये, डी इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ मैं बताया हूँ, यानी 250 हो जाएगा यहाँ से। तो इसको कैलकुलेशन आप कीजिए, तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, कैलकुलेट आप भी कीजिए साथ साथ, ये 2000 mm² आ गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ये कैलकुलेशन कीजिएगा। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ बी, बी में यानी कि किसमें कंप्रेशन जोन में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा, सेम मल्टीप्लाई कीजिए 0.4 इंटू 200 इंटू 250, तो यही इसमें भी आएगा 2000 mm² आपका, दोनों एरिया मिल गया कंप्रेशन जोन में, टेंशन जोन में इतना प्रोवाइड कर सकते हैं। टोटल ऐड भी कर सकते हैं आप, टोटल ऐड की तो 4000 आपका होगा मैक्सिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यहां तक के लिए आपको क्लियर हो गया। तो अब देखिए जब हमारा बी और डी आ गया, क्या हो गया आपका बी और डी, बी बी हमको 250 ये बी है आपका, डी है डेप्थ, तो इसको हम चेक लगाते हैं, चेक करते हैं डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो वर्टिकल जब लोड लगाएंगे, जब मैं बताया था कि जो ये बीम है, बीम के लिए मैं बता दूं ये 4 मीटर का है, 4 मीटर का ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ जो डेप्थ है ये 4 मीटर के लिए है। ओके मैं बता दूं, तो इस पर अगर चेक लगाते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिमिट उसके अंडर है या नहीं है, तो ये 4 मीटर का हमने, तो ये कोड हमारा बोल रहा है, पेज नंबर आपको मिल जाएगा 37 क्लाउजर नंबर 23.21 में मिल जाएगा, 2.1 में आपको मिल जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम हो, तो मैं आपको बताऊं ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट है, तो यहाँ इसको चेक करना है सिंपली सपोर्टेड हो, तो स्पान बाय डेप्थ का जो रेशियो होगा कितना 20 होगा, कंटिलीवर हो तो 7, कंटिन्यूअस हो तो 26। तो हम यहां से आपको चेक लगा के चेक करेंगे कि डिफ्लेक्शन लिमिट में है कि नहीं है, जो अपने बी और डी जो अपन किए हैं बी इंटू डी, तो डी जो है हमारा लिमिट में है कि नहीं, यहां से हम कर सकते हैं कि नहीं। तो आप देखिए यहां चेक लगा दीजिए, तो ये कितना है आपका, इसका रेशियो स्पान बाई रेशियो, तो स्पान स्पान अपन में डेप्थ, स्पान कितना 4 मीटर, इसको तो मीटर में, तो एमएम में चेंज कर दीजिए 4000 और डी कितना है आपका 250, तो यहां से कटिंग कर दीजिए, तो आप ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 16 point something आएगा ये 16। ओके फ्रेंड्स, आप यहां से डिफ्लेक्शन चेक कीजिएगा तो ये 16 आएगा। तो अब हमारा कि कितना होना चाहिए 20 मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन हम जो बी और डी जो एज्यूम किए हैं वो कितना आ रहा है 16, तो हेंस ओके, तो हमारा जो बी और डी एज्यूम किए हैं वो बहुत ही सही है, क्योंकि हमारा सेफ है, तो ये हमारा सेफ है, हम डिजाइन कर सकते हैं। नो डाउट्स, यहाँ तक क्लियर आपको हो गया। एक और हम अगर बता दें, दूसरा चेक और लगा लीजिए स्टील, अगर आप प्रोवाइड कर रहे थे परमिसिबल वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन परमिसिबल वैल्यू कितना हो सकता है ड्यूरिंग द कास्टिंग और आफ्टर द कास्टिंग, दो आपको एक और चेक लगा लेना है इसको, तो परमिशन ड्यूरिंग द कास्टिंग, कास्टिंग करते समय डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं ये भी आपको चेक करना होगा। तो ये कोड के अनुसार है स्पान बाई 250, तो स्पान आपका कितना है 4000 मीटर, सॉरी एमएम 4000 mm, और आपका 250 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी कटिंग कीजिएगा 16 आएगा, तो ये भी हमारा अंडर है 20 का अंडर, तो ये भी हमारा ये भी वैल्यू हो गया। ओके कास्टिंग के द्वारा हमारा इतना होना चाहिए डिफ्लेक्शन परमिसिबल वैल्यू, तो ये भी यहाँ पर ओके हैंस ओके, तो आप लिखिए ओके, ये भी हम सही है यहाँ तक। नो डाउट्स,
मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए बी और डी के लिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा बी और डी कैसे आया था, 200 250, मैं लास्ट में बता भी दूंगा आपको। इफ आफ्टर द कास्टिंग, कास्टिंग होने के बाद भी चेक कर सकते हैं कि स्पान बाई भी 350 कोड बोल रहा है, तो ये आपको 4000 / 350 डिवाइड कीजिएगा तो आपको ये भी कीजिएगा तो आएगा 11.42। तो ये भी देखिए हमारा कम है, यानी कि ओके हैंस ओके, हमारा जो डिजाइन है अब हमारा सेफ हो चुका है। क्या कर रहे हैं आपका सेफ हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक के लिए आपको क्लियर हो गया। अब चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्टील जो बीम है, बीम हो रहा है आपका, जैसे ये बीम है तो ये 200 है, ये 250 है। अब मुझे इसमें स्टील प्रोवाइड करना है, कितना दें तो इसके एवरेज लेके चलते हैं। मिनिमम आपको मालूम है तो मिनिमम अगर निकालिएगा ना तो 0.15% से लेकर मैक्सिमम 8% तक बीम में स्टील प्रोवाइड करते हैं ये कोड के अनुसार। अगर आपको नहीं होगा तो हमने मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना निकाला था, 89 point something mm² निकाला था, और इसके डिवाइड कर दीजिए कितना टोटल एरिया कितना आ रहा है आपका 250 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां से परसेंटेज आएगा, तो ये परसेंटेज हम देख रहे हैं मिनिमम एरिया। तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कितना 2% एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना इस बीम में 2% एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हम 1.5 से लेकर इतना एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो 2% कितना होगा, एज्यूम कर रहे हैं 2% इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 2% ऑफ बी डी, तो बी डी 2 लिख दीजिए डिवाइडेड बाई 100 इंटू बी कितना है 200 इंटू डी कितना 250। देखिए ओवरऑल डेप्थ है यहाँ, यहीं ध्यान दीजिए, तो 2% हम स्टील यहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ 1000 mm² एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्टील का एरिया जो होगा आपका 1000 mm². अब तो एरिया आपको मिल गया, अब क्या करना है नंबर ऑफ बार कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा, जो बीम है उसमें मैं बताया था कि 12 mm से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, टेंशन जोन में या कंप्रेशन जोन में 10 mm से कम नहीं प्रोवाइड कर सकते ये कोड के अनुसार। तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें 16 mm का कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, 16 mm का कवर नहीं, सॉरी स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं 16 mm। मैं ये भी बताया था कि डी जो डी इफेक्टिव निकाले थे सर 12 mm पे निकाले हैं, नो डाउट आप 16 mm पे निकालिएगा तो भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंट आएगा, तो और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ 16 क्योंकि एरिया हमने ज्यादा यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, 2% स्टील बहुत होता है बीम में। मैं ये भी बता दूं जनरली आपको जब स्टैंडर्ड कीजिएगा ना तो मैं बता दूंगा 1% से लेकर 1.5%, ये डिपेंड करता है लोड पे स्ट्रक्चर पे, मैं ये भी बताऊंगा आपको। नंबर ऑफ बार तो कैसे होगा, वन का निकाल लीजिए तो एरिया ऑफ वन बार इक्वल टू 16 mm एज्यूम करें, 16 × 16 पाई आर स्क्वायर क्या होता है 3.14/4, यही एरिया होता है आपका, आपका एरिया का होता है पाई बाई में 4 d² यही मैंने लिखा, तो आपका ये आएगा 201 point something आएगा, इसका एरिया आएगा mm². अब क्या करना है, टोटल एरिया आपको मालूम है तो नंबर ऑफ बार कितना होगा 1000 टोटल एरिया आप मालूम है एज्यूम किए हैं, इसका आपका ये डिवाइडेड 1 के लिए 201, तो ये आ जाएगा 4.9 नंबर ऑफ बार देना है, यानी कि हमको 5 नग नंबर ऑफ बार देना है। तो कैसे 5 नंबर ऑफ बार देना है तो आप देखिए कैसे दे सकते हैं, 5 नंबर आगे तो ये बीम है, तो ये बीम में टेंशन में 3 बार कर दिए और टॉप में आपका 2, टेंशन में ज्यादा प्रोवाइड करते हैं स्टील आपको मालूम है, कंप्रेशन में कम। ओके, तो हम 3 तो नंबर ऑफ बार आपका हो गया, यहाँ तक क्लियर आपका नंबर ऑफ, ये 16 mm का है, 16 mm का डाया बार अभी प्रोवाइड किया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो अब स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप, स्टीरअप की बात करते हैं, स्टीरअप जो होता है आपका यही, इसका स्पेसिंग कितना होता है, कोड हमारा बोलता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग शैल नॉट बी एक्सीड 0.75 d से ज्यादा नहीं हो सकता है, और दूसरा बोलता है नॉट मोर देन 300 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, दोनों में हम निकाल के देखेंगे। तो हमारा कितना 75 × d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, यहाँ मैं देखिए कोड में आप देखिएगा तो मिल जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ कितना निकाले 219 निकाले थे, लेकिन 219 किस पे हमने निकाले थे आपको 12 mm 12 mm पे, तो आपका 16 mm पर निकालेंगे 219 आया था आपका, 219 आया था, तो 16 mm पे निकालेंगे तो 2 mm और घट जाएगा, तो 217 होगा। ओके फ्रेंड, ये आप यहाँ से निकाल लीजिए, यानी कि 250 - 25 - आपका 16 mm को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 16 mm का आपका 8 mm। ओके, वहाँ 6 मैंने किया था तो 6 आप 8 mm, तो ये आपका ये आ जाएगा। तो आप ये लगभग ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा आपका, ये कैलकुलेशन कीजिए कि कितना नंबर आएगा आपका, ये कैलकुलेशन साथ में कीजिए तो 160
कि अप्रोक्स ये कैलकुलेशन किए तो 160 mm। तो अब इसका स्पेसिंग आप रख सकते हैं सेंटर टू सेंटर, कैलकुलेशन कीजिए कितना। तो अब इसका स्पेसिंग हो गया वन का आपका 160 mm सेंटर टू सेंटर। ये क्या है हमारा, इससे कम नहीं रख सकते, मैक्सिमम ज्यादा नहीं रख सकते हैं, इसलिए जब ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग इतना आएगा। तो 160 आप 150 कर दीजिए, चलिए आप सेफ रहिए 150 कर दीजिए। ओके क्लियर, यहाँ कितना प्रोवाइड कर सकते हैं आपको 150। नंबर ऑफ बार अगर निकाला, नंबर ऑफ स्ट्रिप आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि स्पान अपन में क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग प्लस में वन यहीं से निकाल सकते हैं। ओके क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं इसमें बीम में कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वीडियो लास्ट तक देखिए। इफ मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस वीडियो में पूरा मैं बताने वाला हूँ, वीडियो लॉन्ग जा रहा है लेकिन ये बहुत बताना जरूर। इफ डेप्थ ऑफ बीम 750 से ज्यादा हो जाता है डी, तो क्या करते हैं, तो ये क्या होगा, बक्कल होने के चांस होने लगता है, ये डिफ्लेक्शन होने लगेगा, इस तरफ फेल होगा जब लोड पड़ेगा इस पे, तो इस पे क्या करते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए ये बकल ना हो फेल ना हो तो साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं साइड रेनफोर्समेंट, तो साइड रेनफोर्समेंट जो होता है आपका यही प्रोवाइड करते हैं जब डी इज इक्वल टू इतना ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए एक्सेसिव जो होता है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन को एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंट्रोल करने के लिए हम साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ज्यादा हो जाएगा तो ये तो बॉटम में दे ही रहे हैं, टॉप में दे ही रहे हैं, लेकिन साइड में भी प्रोवाइड करेंगे स्टील, क्योंकि एक्सेसिव जो डिफ्लेक्शन होगा उसको कंट्रोल करे। तो इसको देखिए, अगर यहाँ भी इंड कवर भी, ये भी मैं बता दूं कि ये जो होता है इसको इंड कवर बोलते हैं, इंड कवर बोलते हैं, और जो यहाँ कवर प्रोवाइड करते हैं आपको क्लियर कवर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्यूरी है तो कमेंट्स जरूर कीजिए, कैसा लगा ये वीडियो जरूर करिए, और साथ में लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए। अगर मैं ये भी बता दूं आपसे कि जब बीम का डिजाइन होता है ना, अगर जो भी बीम का डिजाइन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू, ये तो मैंने एरिया ऑफ स्टील जो होता है, एरिया ऑफ स्टील मैंने सिर्फ आपको कोड के अनुसार बता दिया कि 2% ले लीजिए, मैक्सिमम 8% होता है। ओके लेकिन जब एक्चुअली में बीम का डिजाइन कीजिएगा तो लोड को कंसीडर किया जाता है, फिर मोमेंट निकाला जाता है, उसके बाद एरिया ऑफ स्टील ऑटोमेटिक आ जाता है, इस बीम में एरिया ऑफ स्टील कितना लगेगा। तो अगर आपको ये भी चाहिए तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करके बताऊंगा, कमेंट्स वक्त में कमेंट्स कीजिए। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया हूँ फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है बीबीएस ऑफ बीम, बीम का बीबीएस कैसे बनाएं। ओके फ्रेंड्स, हाँ मैं तो आपसे भूल गया, एक बार बता दूं, एक मैं आपसे बोला था कि डिजाइन करके मैं बताऊंगा एक ड्रॉइंग के लिए कितना परसेंट स्टील यूज किया गया है। तो आप यहां से देख सकते हैं, ये ड्रॉइंग मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये बीम है, ये बीम का ड्राइंग है आपका G+2, क्या कर रहे हैं, G+2 का डिजाइन किया गया है, G+2 का डिजाइनिंग है। इसमें जो स्ट्रक्चर डिजाइनर ने दिए हैं, बीम का साइज 200 और डेप्थ है 450, यहाँ दिए हैं पर टॉप रेनफोर्समेंट जो रहा है 3 नग 16 का, और बॉटम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं कितना आपका 16 का 3 नग, यानी 6 नग टोटल इसमें बीम का क्रॉस सेक्शन जब देखिएगा तो 3 यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ लग दिख रहा है। तो एरिया ऑफ स्टील जब निकालिएगा ना परसेंटेज, तो ये लगभग कैलकुलेशन कर दीजिए तो दोनों का एरिया निकाल दीजिए और इसका एरिया निकाल कर डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 1.7% एरिया ऑफ स्टील यहाँ दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, मैं ये भी दिखा दूं आपको कि ये डिजाइन किया गया है और इसमें स्पेसिंग भी देखिए 100 दिया है, 100 दिया है, तो 100 भी आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिए।